नमस्कार सत्यात्रा न्यूज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। खाद्य विभाग अधिकारियों की वेली भगत से कोटेदारों के हौसले बुलंद, घटते जा रहे हैं गरीबों के हक का राशन। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर हलिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कजरिया सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पति गोविंदनाथ कौर, नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य लाल मुनाई, नागेंद्रनाथ दुबे, अवलेश कुमार, लखनी राम, रति राम रतिया, छोटी बच्ची व बच्चे प्रतिभा और नंदलाल और अन्य सैकड़ों ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त हुआ कि हमारे यहाँ 78 अंत्योदय कार्ड व 725 पात्र गृहस्थी कार्ड हैं, जिसकी कुल यूनिट 3005 है, जिसमें फेर बदल कर 70% धाधली की जाती है और उसका पूरा लाभ कोटेदार नरेश गबन कर लेते हैं। और सस्ते गल्ले की दुकानदार नरेश पुत्र धनपति हैं। 20 वर्षों से किसी भी कार्ड धारक को सही सलामत राशन नहीं दिया गया। जिसका 5 यूनिट है उसको 2 यूनिट दिया जाता है, जिसका 10 यूनिट है उसको 5 यूनिट दिया जाता है। कुछ ऐसा भी किया गया है कि जो लोग दो ही लोग हैं उनके कार्ड में लड़के लड़की बनाकर यूनिट चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार गड़बड़ी के कारण वहां के लोग राशन कार्ड से वंचित रह गए हैं। इस बात की जानकारी ग्रामीणों द्वारा 21 मई 2021 को पत्रकारों से बातचीत कर उनको जानकारी दी गई कि 2 दिन से हम लोग आ रहे हैं राशन लेने, लेकिन कोटेदार दुकान में ताला लगाकर फरार है। कुछ महिलाओं का कहना है कि कभी कभी खोलते भी हैं तो राशन के लिए आओ तो राशन नहीं मिलेगा कहकर भगा देते हैं। इस बात को लेकर खाद्य व रसद विभाग संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों द्वारा ना कभी इसका जांच किया गया और ना ही उन पर अंकुश लगाया जा रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधिकारियों के मिली भगत से गरीबों के हक का राशन घटते जा रहे कुटतार नरेश पर पड़ता जा रहा है। सदर रिपोर्टर राहुल सोनी की खास खबर। धन्यवाद। अवलेश कुमार निवास स्थान मुड़पेली। यहाँ काफी संख्या में लोग बैठे हैं, क्या मतलब है आप लोगों का, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि हम लोग का जो सरकार के दिया संपर्क, जैसे राशन कार्ड हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, हमारे माता बहनों के बाहर जाने के लिए गैस वो शौचालय हुआ, वो सब का सिस्टम जो सरकार दिया हम लोग को नहीं मिल रहा है, हमारा हक नहीं मिल रहा है। तो यहाँ बैठ कर के क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे यहाँ बैठ कर साबित हम लोग संगठन के हैं कि जो आप लोग को बुलाया गया है कि राशन कार्ड हमारा हक को नहीं दिया जा रहा है। राशन कार्ड आपको नहीं मिला है? जी नहीं मिला अभी सर। तो अब यहाँ बैठे हैं जैसे, तो राशन भी आपको नहीं मिलता होगा? राशन भी नहीं मिलता है। और अच्छा, आज कौन सा तारीख है बताइए भाई साहब? आज तारीख 21। आज 21 कौन सा महीना है? कौन सा सन है? 5वां महीना है, मई 2021। आज आप लोगों का गल्ला मिलने का गल्ला मिलने का स्थल है, स्कूल है, क्या है? गल्ला मिलने का वो सूचना दिया गया था, यहाँ पे आए हम लोग, गल्ला बंद है, जहाँ मिलता है केंद्र बंद है, राशन की दुकान बंद है और आप लोग राशन लेने आए हैं? जी जी। अच्छा, कोटेदार का क्या नाम है? कोटेदार का नाम है नरेश। नरेश वो यहाँ पे है कि नहीं इस प्रेजेंट टाइम में? यहाँ बांट रहे हैं? नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, वो यहाँ पे नहीं है? नहीं है। उनको बुलाए थे, वो अभी भागे, बोले कि अभी आ रहा हूँ। अच्छा, कोटे के बारे में और क्या समस्या है आप लोगों की? कोटे में ये समस्या है कि जैसा मेरा नाम अवलेश है, जी जी, मैं घर का मुखिया हूँ, जी, मेरे कार्ड में किसी और घर का बच्चे का जोड़ दिया गया, किसी और माँ का जोड़ दिया गया, किसी और का औरत का जोड़ दिया गया, ऐसा हुआ। तो गल्ला तो मिलता होगा ना, यूनिट बन गया? सिर्फ हमको जैसे 5 यूनिट है ना, तो हमको 2 ही यूनिट का देते हैं, बाकी 3 यूनिट का दूसरे को दे देते हैं। फिर आप उस पर अंगूठा लगाते होंगे मशीन पर, तब तो मिलता है? नहीं तो जिसका जो जानकारी है तो बचा लेते हैं, बोलते हैं अंगूठा लगा लेते हैं, लेकिन देते हैं आपको जैसे 3 यूनिट 5 यूनिट से 2 यूनिट देते हैं, अंगूठा लगवाते हैं लेकिन देते हैं 2 ही यूनिट। अच्छा, ऐसा कितने लोगों का समस्या है आपके ग्राम सभा में? ऐसा काफी लोग हैं। कितने परसेंट लोग होंगे? 70%। 70% लोग। अच्छा अच्छा, जैसे भैया आप लोग बताइए कि इनका कहना है कि यहाँ कोटा पर गल्ला मिलता है, जिसका 5 यूनिट है उसको 2 ही यूनिट मिलता है, किसी को बना ही नहीं, किसी का गड़बड़ गया, आप सही समर्थन है, सही बात है? आप लोग गल्ला के लिए यहाँ आए हैं, कोटा यही है आपका? यहाँ तो कोई बोर्ड नहीं लगा है, किरा सरकार रुकी। अच्छा, यहाँ कोई सक्षम अधिकारी जांच करने आते हैं या नहीं आते हैं? जैसे सप्लाई में कोई नहीं आया, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर हुए, पूर्ति अधीक्षक हुए, SDM साहब हुए, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आते हैं जांच करने के लिए? अच्छा, आप लोग सूचना देते हैं तहसील विभाग में कि नहीं देते हैं?
फिर भी अधिकारी लोग नहीं आते हैं? सूचना कितनी बार दी है सर? हम लोग को आश्वासन देते हैं कि जाइए, हम आएंगे। अरे आप लोगों का जो गड़बड़ी हुआ इसका जो है ये सक्षम अधिकारियों को अवगत कराएंगे। अच्छा बताइए कि कितने समय से ऐसा हो रहा है? 20 वर्षों से ऐसा हो रहा है। अच्छा 20 वर्ष से ही नरेश जी को डरा तो ये ऐसा करते हैं तो आप लोग इनसे मिलकर तो कहना चाहिए। बहुत बार गए हैं तो भाग जाते हैं, अभी बोले कि रुको आइए आपको यहाँ रहना है और अपना भी समस्या रखिए, क्या किसी को दबाव डालते हैं? नहीं करते हैं, बोलते जाते थाने के कमरे पर। अच्छा दबाव डालते हैं पैसा के इस समय न करते हैं, इसके लिए बोला कि रुकिए। इस समय नव निर्वाचित प्रधान कौन है? भाग गए दुगासी देवी। अच्छा पहले कौन थे? अंजना देवी। अच्छा अच्छा माता जी आपका नाम? आपका नाम क्या है? क्या नाम? लखनी। लखनी क्यों आई है? कोटा के। अच्छा कोटा अभी मिला कि नहीं मिला? नहीं। अच्छा ये बोरी वोरी लेके आए हैं आप गल्ला लेने के लिए? गल्ला के। कितना यूनिट है आपका? कितने लोग को मिलता है, कितने घर में? हमारे घर में अकेले हम 20 किलो पहले पावत रहे। अच्छा लड़का नहीं पावत रहे, तब घिघियाए मारे पर 10 किलो। अच्छा 10 किलो में आफत गया। भागो 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 भागो। कौन भागाता है? भाग देता है। अच्छा कौन कोटेदार? अच्छा डिप्टी कोटेदार है। रामनरेश डिप्टी डाटा था, ये कोटेदार जो लिखा पड़ा था क्या लेता। अच्छा वो डाटते हैं। राम रवि आप भी आए गल्ला लेने? मिला आपको? अच्छा आपको राशन सही सही मिलता है? हटा से हटा हटा हम ताला बंद करा हल्दी से हटाए के बोरिया नहीं ले पावा। अच्छा ये बताइए सही सलामत आपको राशन मिलता है? नहीं कुछ नहीं। भाई परिवार हम तो हमारे दूठे बिटिया रहे अपने घर चली गए। अच्छा चलिए ठीक। 10 किलो पावर रहे में आपको डांट के भगा दिया गया? चलिए ठीक। आपका नाम? रमरतिया। आप भी कोटे पर आए? आपका राशन कार्ड बना है? हाँ बना। बहुत भाई परिवार है आपके घर में? अरे हमारे नहीं। कितना कितना मिलता है? 20 किलो। 9 आदमी में 20 किलो मिलता है और 35 किलो मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन आपको 20 किलो मिलता है? 45 किलो। 45 किलो मिलना चाहिए। 45 किलो मिलना चाहिए लेकिन आपको 20 किलो दे के आपको काम कर देते हैं। अच्छा पुर्जा पुर्जा से मिलता है आपको? नहीं कराटो से मिला था भाई, वो तो नहीं देते। आप भी कार्ड लेकर आई हैं गल्ले लेने? नहीं कहीं जमा होता था मेरे कार्ड। कार्ड जमा करके आई हूं तो मतलब गल्ले ले बोलो। हां लेकिन तो कोटा बंद बा। हां अरे तू नहीं पाऊ हर हक्क को जाने 10 आदमी है 4 आने के देते बस 20 किलो देते। अच्छा 10 आदमी है 20 किलो बस ही देते हैं, 4 आदमी का लेते बाकी नहीं देते हैं। प्रतिभा आप पढ़ने जाती हैं स्कूल में? अच्छा स्कूल में आपको गल्ला वाला मिलता है कि नहीं? कब मिला था? कितने महीने पहले मिला था? जब से लॉकडाउन लगा है तब से आपको स्कूल में तो खाना नहीं मिलता, तब से कई बार मिला है गल्ला? गल्ला आपको मिलता है बेटा? नहीं मिलता। स्कूल कहाँ है आपका? स्कूल कहाँ है? अच्छा बगल में। आपको गल्ला कभी मिला आपको? अच्छा कितनी बार मिला आपको? एक बार अभी नहीं चलिए मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला। क्या नाम बेटा? नंदलाल। आपको गल्ला मिलता है स्कूल का? जैसे जब से लॉकडाउन लगा है तब से भोजन तो मिल नहीं रहा है बच्चों को, तो उसका गल्ला मिला है आपको? नहीं मिल रहा है? चलिए नहीं मिल रहा है। अच्छा सभी बच्चों का नहीं मिलता है? नहीं मिल रहा है। नहीं आप जानते हो कोई बच्चा नहीं मिलता? अच्छा जो कुछ लोग बोले हैं कि राशन में गड़बड़ी हो रहा है, क्या ये सही बात है? आप सब लोग सहमत हैं? सभी लोगों का दिक्कत हो रहा है इस राशन की दुकान से? अच्छा बताए हैं कि स्कूली बच्चों को जो मिलता है राशन वो नहीं मिल रहा है, क्या आप लोग जानते हैं? आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? चलिए जानकारी के बहुत धन्यवाद।